Hey guys, how are you all? Welcome back to my channel. I'm Sagrika and I'm back with some new tips and tricks for you. So guys, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी चीजें आपको खानी है नवे महीने में जिससे आपकी हो सकती है बहुत ही आसानी से नॉर्मल डिलीवरी. यस, मैं ये अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि ये मेरा सेकेंड बेबी है. राइट नाउ आई एम इन 8th मंथ ऑफ माई प्रेगनेंसी और 9th मंथ मुझे 2 दिन बाद ही स्टार्ट होने वाला है. तो मैंने सोचा कि जो मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में टिप्स फॉलो की थी वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, क्योंकि वो मेरे लिए वर्क की थी और मेरी फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी थी. क्योंकि मैंने कुछ चीजें 9th मंथ से खाना स्टार्ट किया था जिसने बहुत बहुत हेल्प किया मेरी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करने में, मेरे लेबर भी नेचुरली स्टार्ट हो गए थे और मेरी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही ज्यादा आसानी से हो गई थी. तो आइए मैं बताती हूँ वो सारी चीजें जो आपको खाना चाहिए 9th मंथ के स्टार्टिंग से. लेकिन याद रखियेगा, इससे आपको 9th मंथ की स्टार्टिंग से ही खाना चालू करना है, लाइक 8th मंथ से नहीं करना है, क्योंकि हमें 9th मंथ में लेबर स्टार्ट करवाने हैं, 8th मंथ में नहीं. सो स्टार्ट करते हैं वो सारी लिस्ट उन चीजों की जो आपको 9th मंथ से स्टार्ट करनी चाहिए लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए नेचुरली. फर्स्ट इन द लिस्ट है वो है कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल. यस, अरंडी का तेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेबर को इंड्यूस करने में. एक्चुअली अरंडी का तेल क्या करता है ना, आपके गट को क्लीन कर देता है. अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उसे भी सॉल्व कर देता है. तो आप 9th मंथ की स्टार्टिंग में ही दूध में 1 चम्मच अरंडी का तेल मिला के पीने स्टार्ट कर दीजिए, आपका गट एकदम क्लीन हो जाएगा. हो सकता है उसके बाद आपको लूज स्टूल भी हो, लेकिन वो बहुत अच्छा है बिकॉज जैसे जैसे आपका गट क्लीन होगा आपका बेबी नीचे जाएगा. अगर आपका कॉन्स्टिपेशन है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है. तो आपको कैस्टर ऑयल पीने से आपका गट क्लीन होगा, आपका बेबी और डाउन जाएगा, उसका हेड और डाउन जाएगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत इजीली हो जाएगी. लेकिन मैंने बहुत सी लेडीज से सुना है कि कैस्टर ऑयल से बहुत ज्यादा उल्टी आती है, उसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं होती और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. तो आप कैस्टर ऑयल की जगह गाय का घी भी 1 चम्मच दूध में मिलाकर पी सकते हैं. ये भी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. एक्चुअली गाय के घी से ताकत भी बहुत ज्यादा आती है और गाय का घी चिकनी चीजें जो होती है ना वो आपके बेबी को नीचे पुश करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है. तो अगर आप गाय का घी भी आपका गट क्लीन करने में हेल्प करेगा, लेकिन द ओनली थिंग इज कि अगर आपका बहुत ज्यादा ओवरवेट है प्रेगनेंसी में, आपको डॉक्टर ने वेट बढ़ाने के लिए मना किया है, तो घी से आपका थोड़ा सा वेट बढ़ सकता है. तो इसलिए मैं कैस्टर ऑयल रिकमेंड करती थी. लेकिन फिर भी अगर आपका वेट एकदम नॉर्मल है और आपकी प्रेगनेंसी एकदम सही से जा रही है तो गाय का घी 1 चम्मच रोज पीना स्टार्ट कर दीजिए. दूध में मिला लीजिए या फिर काढ़े में मिला लीजिए या फिर रोटी में एक्स्ट्रा लगा लीजिए, लेकिन 1 चम्मच गाय का घी तो आपको डेली पीना ही है, जो कि आपकी लेबर इंड्यूस करने में, बच्चे को नीचे जाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा. नेक्स्ट जो चीज है जो आपके नेचुरली लेबर इंड्यूस करने में हेल्प करेगी वो है पाइनएप्पल. पाइनएप्पल में होता है ब्रोमेलिन नाम का एंजाइम जो कि लेबर को इंड्यूस करने में हेल्प करता है. आपने सुना होगा शुरू के 3 महीने में पाइनएप्पल खाने के लिए मना करा जाता है, इवन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ही कुछ लोग पाइनएप्पल नहीं खाते. लेकिन यही चीज 9th मंथ में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि ब्रोमेलिन एंजाइम जो रहता है ना ये लेबर इंड्यूस करता है, आपके सर्विक्स को सॉफ्ट करता है. तो रोज थोड़ा थोड़ा पाइनएप्पल खाइए. अगर आप पाइनएप्पल का बीज का पोषण खाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ब्रोमेलिन होता है, तो जिससे आपके जो लेबर है वो नेचुरली इंड्यूस होंगे. तो 9th मंथ में आप पाइनएप्पल डेफिनेटली खा सकते हैं तो टू इंड्यूस लेबर नेचुरली. नेक्स्ट जो है वो है जीरा. यस, जीरा भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके लेबर को इंड्यूस करने में. तो आपको करना क्या है, गर्म पानी में 1 चम्मच जीरा डालना है और उसे खूब सारा उबालना है, एंड उबालने के बाद उसमें 1 चम्मच गुड़ डाल देना है. और ये काढ़ा जो है वो सुबह शाम पी सकते हैं जीरे और गुड़ का. ये एक्चुअली बहुत अच्छा वर्कआउट करता है, ये आपके गट को भी क्लीन करता है जीरा, और आपके लेबर को भी नेचुरली इंड्यूस करने में हेल्प करता है, और ये बहुत ज्यादा गर्म भी होता है. तो जीरा और गुड़ को मिक्स करके खूब सारा उबाल लीजिए कि पानी, लाइक आपने 1/2 ग्लास पानी लिया है तो वो 1/4 ग्लास हो जाए, आपको इतना उबालना है उसको, एंड देन वो पानी पी लीजिए सुबह शाम. इट्स रियली हेल्पफुल टू इंड्यूस लेबर. नेक्स्ट जो है ये तो हमारी दादी नानी हमेशा से कहती है कि 9वां महीना स्टार्ट हो गया तो खजूर खाना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि डेट्स. तो आपको डेट्स खाना स्टार्ट करना है. वैसे थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी हम 1-2 डेट्स तो खाते ही हैं, लेकिन आपको 9th मंथ के स्टार्टिंग में डेली 7-8 डेट्स खाना है. 1-2 डेट्स से काम नहीं बनने वाला. 7-8 आप खजूर खाइए. आपको अगर ऐसे नहीं अच्छा लगता तो मिल्क में उसको बॉइल करके, खारक का दूध शायद आपने पिया होगा, मैंने तो बहुत पिया, मुझे बहुत पसंद भी है. तो जो ड्राई डेट्स होते हैं उनको दूध में खूब सारा बॉइल करके उसका जो फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा लगता है. उसमें शुगर डालने की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि इतना ज्यादा स्वीट मिल्क हो जाता है वो. तो खजूर
खजूर का दूध आप पी सकते हैं। ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में बहुत हेल्प करता है और स्पेशली ये सर्विक्स की राइपनिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो आपके बच्चेदानी का मुंह बहुत अच्छे से खुल जाएगा अगर आप 9वें महीने की स्टार्टिंग से ही 7 से 8 खजूर खाना स्टार्ट कर दे तो। नेक्स्ट जो है वो है पपाया। यस, बहुत सरप्राइज होंगे आप बिकॉज प्रेगनेंसी में तो पपाया खाने के लिए मना किया जाता है, वो फर्स्ट 3 मंथ्स में मना किया जाता है क्योंकि पपाया में होता है पेपेन और पेपेन जो होता है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जैसे कि आपको पता है कि जब हमारे कॉन्स्टिपेशन होता है तो हम पपाया खाते हैं जिससे हमारा जो गट है वो क्लीन होता है, लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स में हम पपाया अवॉइड करते हैं बिकॉज वो पेपेन जो है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर सकता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड 9th मंथ से हमें पपाया खाना स्टार्ट कर देना चाहिए बिकॉज अभी हमें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, हमें लेबर पेन चाहिए नेचुरली। तो पपाया इज रियली वेरी हेल्पफुल टू इंड्यूस लेबर नेचुरली। नेक्स्ट जो है ये तो भाई हम सब गर्ल्स का फेवरेट है, दैट इज स्पाइसी फूड। लेकिन प्रेगनेंसी में स्पाइसी फूड कई बार हार्ट बर्न दे देता है, एसिडिटी दे देता है, लेकिन जो स्पाइसी फूड है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। तो 9th मंथ में आप जी भर के स्पाइसी पानी पूरी खाइए, स्पाइसी फूड खाइए, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है एसिडिटी की और आपको बहुत ज्यादा हार्ट बर्न होता है तो कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर हैविंग एनीथिंग। लेकिन स्पाइसी फूड भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में और लेबर इंड्यूस करने में। नेक्स्ट जो है वो है हमारी दादी नानी हमें खिलाया करती थी तिल के लड्डू खाना स्टार्ट कर दो, 9th मंथ स्टार्ट हो गया है। मेथी के लड्डू और ड्राई फ्रूट गुड़ के लड्डू और जो गरम गरम लड्डू होते थे ये हमें 9th मंथ से खिलाना स्टार्ट कर दिए जाते थे बिकॉज ये जो तिल होता है ये सब चीजें गरम गरम चीजें ओवरऑल जो आप देख रहे होंगे मैं आपको बता रही हूँ जो गरम चीजें होती है ना वो 9th मंथ में हेल्प करती है इंड्यूस करने में लेबर को। और जितना हमारी कॉन्स्टिपेशन रहेगा उतना ज्यादा हमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो गर्म चीजों से कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है और हमें लूज स्टूल्स हो सकते हैं और लूज स्टूल इज रियली हेल्पफुल कि आपके बेबी डाउन जाए। तो इसलिए गरम गरम चीजें हमें खानी चाहिए और ये सारे लड्डू जो हमारी दादी नानी हमारे लिए बना के भेज रही है इसका पूरा फायदा उठाइए और अच्छी तरह इन्हें खाइए और अपने लेबर को इंड्यूस कर लीजिए। नेक्स्ट जो है वो तो मेरी फेवरेट है, वो है मसाला चाय। चाय का मसाला तो हम सभी के घर में बनता ही है, हम तो घर में ही इसे होममेड बनाते हैं, लेकिन बाजार में भी आजकल ये बहुत इजीली चाय का मसाला मिलता है। तो आपको करना क्या है, मसालेदार चाय बनानी है और खूब सारा भर के एक चम्मच भर के उसमें मसाला डालना है जब तक वो थोड़ा तीखा और चरखा ना लगे। ये भी बहुत हेल्पफुल है लेबर इंड्यूस करने में। अगर आप दूध में नहीं चाहे, चाय में नहीं चाहे तो आप इसे लाइक उकाली जैसे भी बना सकते हैं, लाइक पानी में गुड़ डाल के और ये चाय का मसाला डाल के उसे भी आप पी सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे ये सब चीजें ठंड में पी जाती है लेकिन वो इसलिए पी जाती है ताकि हम गर्म रहे और अंदर से बॉडी गर्म रहेगी उतनी जल्दी इंड्यूस होंगे हमारे लेबर। तो मसाला चाय पीजिए, उकाली पीजिए, हल्दी वाला दूध भी आप पी सकते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल रहेगी। और काढ़ा पी सकते हैं अगर आपकी मम्मा आपको काढ़ा बना के दे सके तो बहुत ही हेल्पफुल रहता है लाइक इंड्यूस करने में लेबर। तो ये सारी गरम गरम चीजें आप खाइए पीजिए, जितना आप पियेंगे खाएंगे उतना ही आपके लेबर इंड्यूस होंगे और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आपका इजिली होगा। नेक्स्ट जो है वो है गार्लिक। जैसे कि हम सबको पता है गार्लिक की जो तासीर है वो गर्म होती है, तो गार्लिक भी आप तड़का लगा के दाल में या ये सब खाइए। गार्लिक का इंटेक थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं ड्यूरिंग 9th मंथ। आई नो कुछ लोगों को गार्लिक पसंद नहीं होता, कच्चा तो बिल्कुल नहीं खा सकते, मैं खुद नहीं खा सकती गार्लिक, इवन मुझे भी इतना फ्लेवर पसंद नहीं है, लेकिन गार्लिक इज ऑल्सो वेरी गुड इन इंड्यूसिंग लेबर। एंड द बेस्ट पार्ट इज गार्लिक इज ऑल्सो नेचुरल ब्रेस्ट मिल्क बूस्टर और बहुत ज्यादा हेल्प करता है ब्रेस्ट मिल्क को बूस्ट करने में। तो गार्लिक के फायदे जो है वो 9th मंथ में भी है एंड आफ्टर डिलीवरी भी है। तो गार्लिक आप तड़का लगा के थोड़ा थोड़ा खाइए और अगर आप कच्चा खा सकते हैं तो दैट इज रियली गुड। मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं है लेकिन गार्लिक इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है बनाना। बनाना एक बनाना आपको रोज खाना है फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ 9th मंथ क्योंकि उसमें होता है पोटेशियम और पोटेशियम की मात्रा अच्छी मिलने से हमारा जो बच्चेदानी का मुंह है वो अच्छी तरह खुलता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन अच्छी तरीके से होते हैं। तो बनाना भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाने में। नेक्स्ट है रास्बेरी लीफ टी। तो ये तो मार्केट में आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है। रास्बेरी की जो लीफ होती है वो एक बहुत अच्छी नेचुरल मेडिसिन है यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्ट करने में और आपके लेबर इंड्यूस करने में। तो अगर मार्केट में अवेलेबल है और अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे रास्बेरी लीफ इजीली मिल जाती है तो आप उसे नेचुरली घर पे भी उस टी को बना सकते हैं, लेकिन मार्केट
में ये टी इजिली अवेलेबल है, तो आप हाफ कप टी इसकी रोज पीजिए 9th मंथ के स्टार्टिंग में एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज GLA, दैट इज इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, जो कि बहुत बहुत हेल्पफुल होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में, क्योंकि उसमें पाया जाता है प्रोस्थाग्लैंडिन, जो कि एक नेचुरल एंजाइम है जो आपकी इंड्यूस करता है लेबर बहुत इजीली, क्योंकि प्रोस्थाग्लैंडिन जो है ना वो एंजाइम जैसे ही हमारे अंदर जाता है वैसे ही वो लेबर को इंड्यूस करता है। तो ये किसी भी मेडिकल शॉप में इजिली मिल जाती है इवनिंग प्रिमरोज ऑयल की टैबलेट्स आती है छोटी छोटी जिससे आप कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन बस मैं एक चीज आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि आप जो भी खाएं पिए एक बार अपने डॉक्टर यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट से प्लीज कंसल्ट कर लीजिए। ये सारी टिप्स जो है मैंने फॉलो की है, लेकिन मैंने सारी चीजें एक साथ नहीं खाई है। आप देखिए आपके लिए बेस्ट आपको क्या लग रहा है, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, आप वो चीज फॉलो कीजिए। ऑब्वियसली सारी चीजें तो एक साथ खाना पॉसिबल नहीं है, सारी नेचुरल चीजें इनके कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सारी चीजें एक साथ कंज्यूम नहीं कर सकते हम लोग। तो आप चूज कीजिए कि आपके लिए क्या बेस्ट वर्कआउट करेगा और आपको क्या अच्छा लग रहा है खाने में, और वेदर के हिसाब से भी आप देखिए कि आपके लिए क्या ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, उस हिसाब से आप चीजें कंज्यूम कीजिए। लेकिन ये मेरे सारे ट्राई एंड टेस्टेड चीजें हैं जो कि लेबर इंड्यूस करने में डेफिनेटली हेल्प करती है, और ये सारी नेचुरल चीजें आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी भी इसे खा सकते हैं, लेकिन बस मात्रा जो है आपको 9th मंथ में बढ़ानी है और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको इसको थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करना है, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत नेचुरल है। तो बस गायनेक से कंसल्ट कीजिए, और अगर आपका 9th मंथ लग गया है तो स्टार्ट कर दीजिए सारी चीजें, अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर दीजिए फॉर नॉर्मल डिलीवरी, ताकि आपके नेचुरली लेबर आ जाए। मैं प्रे करूंगी सभी लेडीज की हेल्दी प्रेगनेंसी को, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल द वंडरफुल लेडीज जो भी प्रेग्नेंट है, जिनको सभी को हेल्प होगी इस वीडियो से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ मी सागरिका साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।